साउथ एशिया में तमाम देखने और सुनने वालों को अता शाहिद का सलाम कबूल हो। वॉइस ऑफ साउथ एशिया पे आज हम डिस्कस करेंगे कि खारजा पॉलिसी को समझने के लिए आपको किन किन किताबों का मुताला करना चाहिए। इससे पहले हमने एक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर प्रोग्राम किया था, जिसके बाद मुख्तलिफ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि आप हमें बताएं कि हम वर्ल्ड की खारजा पॉलिसी या रीजनल खारजा पॉलिसी को समझने के लिए किन किताबों का मुताला करें। तो इससे पहले कि मैं आपको वो तमाम किताबों के बारे में बताऊं जो खारजा पॉलिसी को समझने में मदद दे सकती हैं, मैं ये ज़रूरी समझता हूं कि वो तमाम दोस्त या वो तमाम तलबा जो आजकल सिविल सर्विस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वो पाकिस्तानी सिविल सर्विस हो या इंडियन सिविल सर्विस हो या बाकी कंट्रीज़ में जो भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम हैं, ये बुक्स सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी को समझना चाहते हैं या वर्ल्ड की खारजा पॉलिसी को समझना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का इलम हो, आपको रीजनल हिस्ट्री का इलम हो, आपको अगर आपने ये इलाकाई या आपने एरिया की खारजा पॉलिसी समझनी है तो आपको इंडो पाकिस्तान की हिस्ट्री का इलम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड की हिस्ट्री पे समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये मैं आपको बताता चलूं कि लीडरशिप जो है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती है, और जो मौजूदा वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड खारजा पॉलिसी है, मैं इसको कभी कभी एक ही समझता हूँ कि लेकिन खारजा पॉलिसी हिस्ट्री से मुख्तलिफ है। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री का इल्म नहीं होगा तो आप खारजा पॉलिसी को भी नहीं समझ सकेंगे। तो जिन लीडर्स ने वर्ल्ड की हिस्ट्री या वर्ल्ड की खारजा पॉलिसी को चेंज करने में पॉजिटिव और नेगेटिव रोल प्ले किया, उसमें कार्ल मार्क्स है, लेनिन है, हिटलर है, स्टालिन है, इसके अलावा और भी बहुत से लीडर हैं जिनकी वजह से एक नया सिस्टम बना, यानी कि आफ्टर वर्ल्ड वार ये जो यूनाइटेड नेशन बनी और उसके बाद ये सारे अदारे बने जिनमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक शामिल है, और फिर जो है वर्ल्ड का दो कैंप्स में डिवाइड हो जाना, कोल्ड वार का खात्मा, ये तमाम चीज़ें समझने के लिए आपको अच्छी और मुस्तनद किताबें पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए हम उस तरफ आते हैं कि हमें कौन कौन सी किताबें जो है वह खारजा पॉलिसी को समझने के लिए पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो किताब आपको रिकमेंड करूँगा वो है डिप्लोमेसी बाय हेनरी किसिंजर। ये बड़ी अच्छी बुक लिखी हुई है और इस किताब को बड़ा मुस्तनद समझा जाता है, लेकिन मैंने जैसे कहा था जब तक आपको हिस्ट्री का इल्म नहीं होगा आप इस किताब को भी समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। बहरहाल ये एक बड़ी मुस्तनद किताब है। इसके अलावा इन्हीं की दूसरी किताब है जो वर्ल्ड ऑर्डर को समझने में या दुनिया की खारजा पॉलिसी को समझने के लिए ज़रूरी है, वो है हेनरी किसिंजर की ही वर्ल्ड ऑर्डर। तो हेनरी किसिंजर के बारे में मैं सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगा कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे और इसके अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे। इसके अलावा ये बड़े मुस्तरद डिप्लोमेट हैं और थिंकर हैं, और आजकल भी ये चाइना में मौजूद हैं और ये वर्ल्ड अफेयर पे ही उनसे कोई नेगोशिएशन या डिस्कशन कर रहे होंगे, अगर चाइना के पास कोई सरकारी अहदा नहीं, लेकिन इनकी राय को हर जगह बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इसके बाद आ जाए अगर आपने अपना जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को समझना है या उसके तमाम मुख्तलिफ इरा में क्या पाकिस्तान की डिप्लोमेसी रही, तो ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, उनका नाम है अब्दस्तार। ये है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ये है 1947 to 2016। ये किताब भी बड़ी कम्पैक्ट है और आपको एक ओवरव्यू देगी
पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का। इसके अलावा जमशेद मार्कर हमारे एक बड़े आप समझ लें कि माहिर डिप्लोमेट थे, इनकी किताब है क्वाइट डिप्लोमेसी। तो ये किताब अगर आप पढ़ें तो इससे भी आपको पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और सिर्फ पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी नहीं बल्कि आपको स्वेत यूनियन के साथ पाकिस्तान का रिलेशनशिप, इंडिया के साथ रिलेशनशिप और बाकी क्या कुछ होता रहा, ये आपको बड़ी अच्छी और मुफीद मालूमात फराहम करेगी। इसके अलावा अगर आप आ जाएं तो एक और किताब है शाहिद अमीन साहब से, ये भी बड़े माहिर और बड़े पाए के डिप्लोमेट थे, इनकी किताब है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी ए रिप्रेजल। तो ये भी आप ज़रूर इसका भी मुतालिया करें। इसके अलावा अगर आ जाएं तो हमें सिर्फ अपनी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि सबके लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम ही साउथ एशिया के लिए है। एस टी मुन्नी इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, इन्होंने इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी जो है द डेमोक्रेसी डायमेंशन पर लिखी है। ये बड़े सीरियस किस्म के शख्सियत हैं। सिंगापुर में मैंने इनके साथ काफ़ी मुलाकात मेरी हुई और वहाँ हमने काफ़ी इंडो पाक के तलकात पे बातचीत भी इनसे होती रही और इनसे हम मुझे लर्न करने का भी मौका मिला। इसके बाद आप जो किताब मैं रिकमेंड करूँगा वो है, वो लिखी है अपर्णा पांडे ने, ये रिसर्च स्कॉलर है और फॉरेन पॉलिसी पे इनका भी काफ़ी रोल है और उन्होंने किताब लिखी है एक्सप्लेनिंग पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो ये किताब भी आपको मुख्तलिफ एक व्यू देगी, आप इसको भी ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा भी अगर आप कोई इंडिविजुअली मुझसे किताबों के बारे में या आप कोई दूसरी यानी कि कौन सी फॉरेन पॉलिसी समझने के लिए या कोई आपने स्पेसिफिक किताब पढ़नी है तो उसको समझने के लिए अगर आपको ज़रूरत है तो मेरे साथ अपना मैसेंजर पे, ईमेल पे या मैंने अपना टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है उस पे भी आप रابطہ कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपके साथ जो भी आपकी हेल्प होगी वो ज़रूर करेंगे। और ये याद रखें कि ये जो साउथ एशिया विद अम्बेसडर अता शाहिद है, इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।